सीताराम पुरुषोत्तम भाई सीताराम, सभी को जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? राम राम शर्मा जी, कल्पेश भाई राम राम। प्रदीप जी राम राम। सभी को राम राम भैया। सब लोग ज्वाइन कर लो फटाफट भैया, फिर बाद में लेट आते हैं तो फिर मज़ा नहीं आता है, डिस्टरबेंस होता है। लोकेश जी भी आ गए, चलो बहुत बढ़िया। सभी लोग ज्वाइन कर लो, आज वैसे भी यूट्यूब में काफ़ी दिनों बाद, 2-3 दिनों बाद लाइव प्रोग्राम चल रहा है। चलो तो आज बात करेंगे भैया कि प्रॉफिटेबल कैंडल, जैसे मैंने टॉपिक दिया है। कमल जी राम राम, हिमांगी दीदी राम राम, बाबा ब्राह्मण दिनेश जी राम राम, लोकेश जी राम राम। वॉइस कम आ रही है, सभी को वॉइस कम आ रही है क्या? वॉइस वगैरह बराबर आ रही है? सभी लोग बताएं एक बार, कंफर्म करें प्लीज़। मेरी वॉइस सही मिल रही है आप लोगों को? कंफर्म कर दीजिए एक बार, फिर मैं शुरू करूं। ओके, सुनील राम 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 राम, सभी को राम राम। चलिए ठीक है, ओके ओके, चलिए आवाज़ बराबर है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को टॉपिक दिया है कि आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि कौन सी कैंडल है जो प्रॉफिटेबल है, वो जहाँ पर भी बनती है बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट दे के जाती है ना? तो आप लोगों को उस पर नज़र बना के रखनी है, बस और कुछ नहीं है। उस पर नज़र बना लिए तो आपका प्रॉफिट, नहीं बना पाए तो जानते ही हो आप लोग, बोलो सीताराम, है ना? तो भैया उस कैंडल का नाम तो आप लोग कुछ और भी बोल सकते हो, लेकिन उस कैंडल का नाम आप लोगों को सुन के आज अजीब लगने वाला है, क्योंकि मैं गांव वाला हूं और गांव वाली लैंग्वेज यूज करता हूं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं चीज़ों को अपने लेवल से, अपने तरीके से करता हूं और अपने तरीके से नाम रखता हूं, और उस हिसाब से रखता हूं जिससे मुझे याद रखने में आसानी हो। तो कौन बताएगा कि इस कैंडल को क्या बोलते हैं? कमेंट करके बताइए, ये जो छोटी कैंडल बनी हुई है, छोटी सी, इस कैंडल को क्या बोलते हैं? कौन बताएगा? कमेंट करके बताइए जल्दी से कि ये कैंडल क्या कहलाती है। ये कैंडल आपको चाहे टॉप पे मिले, चाहे बॉटम पे मिले, अगर ये कैंडल मिल गई है तो आपको ये प्रॉफिट दे के जाती ही जाती है, ठीक है? तो इस कैंडल का नाम बताइए जो छोटी सी रेड कलर की कैंडल है। किसी का कमेंट नहीं आया है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि ये छोटी कैंडल का नाम क्या है। आप लोग तो बताएंगे ही। अनडिसाइडेड कैंडल, पीना दीदी बोल रहे हैं अनडिसाइडेड कैंडल। शर्मा जी बोल रहे हैं इवनिंग स्टार, टॉप बॉटम डोजी, ठीक है। सबके अपने अलग अलग नाम आ रहे हैं, है ना? मैं इसको तो ऐसे क्लासिकल डोजी बोलता हूँ, क्योंकि इसमें दोनों साइड विक निकली हुई है और इसकी बॉडी बॉडी हमको पता नहीं चल रहा कि बॉडी हैवी कि नहीं है। अब मैं आज इस कैंडल को अगर ये टॉप पे बनती है तो इसको इवनिंग स्टार भी बोल देते हैं, 2-3 कैंडल मिला के, क्योंकि ये कैंडल मिला के ये इवनिंग स्टार बोलते हैं। अगर ये टॉप पे बनती है तो इवनिंग स्टार बोलते हैं, अगर ये बॉटम पे बनती है तो इसको बोलते हैं हम मॉर्निंग स्टार। इस तरह की कैंडल बनती है, ठीक है ना? लेकिन आज आप लोगों को, चूँकि आप लोग गांव वाला ट्रेडर से जुड़े हुए हो तो गांव वाली लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और आप लोगों को जो याद रखने में आसानी हो ऐसी चीज़ें बताई जाती हैं,
देखिए टेक्निकली लैंग्वेज कुछ भी हो, लोग कुछ भी बोलते रहें, लेकिन हमको उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम अपने तरीके से ट्रेड करते हैं और अपने तरीके से चीज़ों का नामकरण भी करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी स्ट्रेटजी भी देखी होगी, चौपाल स्ट्रेटजी, त्रिनेत्र स्ट्रेटजी, डंडा झंडा, तो मेरे अलग तरीके हैं पढ़ाने के और खुद ट्रेड लेने के। आप लोग भी जिसको फॉलो करके अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहे हो, तो ये कैंडल आप लोगों को जहाँ भी बनती है। अब इस कैंडल का नामकरण जो है, ये गांव वाले की इमली है, इस कैंडल का नाम है इमली, है ना। ये कैंडल आपको अगर बनती दिखाई दे जाए, इसका टॉपिक बाद में चेंज करके दिया जाएगा, जैसे जैसे हमको ये कैंडल मिलती जाएगी आगे ट्रेडिंग में, तो ये गांव वाले की इमली बनने वाली है। क्योंकि मैंने देखा है कि जहां पर भी ये कैंडल बनती है, हमको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलता है, ठीक है ना। अब ये बनती कहाँ पर है, क्या क्या रूल्स हैं इसके, उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, यहाँ पे हमने इसका नाम दिया है इमली, ये गांव वाले की इमली है भैया। और ये बनती आप लोगों को कहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आप बैंक निफ्टी में कर रहे हो या निफ्टी में कर रहे हो, किसी भी इंडेक्स पे ट्रेड कर रहे हो, लेवल आपको एक स्ट्रांग वाला सपोर्ट होना चाहिए या रेजिस्टेंस होना चाहिए। अब हमने देखा, क्या देखा, कि यहाँ पे जो कैंडल जहाँ पे बनी हुई है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये लेवल आ रहा है 600 का, है ना, 600 का लेवल आ रहा है और ये 100 का लेवल है। ये कैंडल हमेशा इन्हीं 100 के लेवल से अगर आपको बनती दिखाई दे रही है, अलर्ट हो जाइए। आपको ट्रेड कहाँ लेना है वो बताता हूँ आपको। जब भी कभी ये कैंडल अगर टॉप पे बनती दिखाई दे रही है और हमारे 100 के लेवल पे बनती दिखाई दे रही है, 100 कौन सा, चाहे निफ्टी में 100 हो, चाहे बैंक निफ्टी में 100 हो, 100 के पास अगर ये बनती दिखाई दे रही है तो बहुत अच्छा काम करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब सवाल ये उठता है कि आप इंट्री कहाँ लोगे, किस कैंडल में इंट्री लोगे, क्या ये जब बन रही है तभी इंट्री ले लोगे या नेक्स्ट कैंडल में लोगे, और नेक्स्ट कैंडल में अगर आप इंट्री ले रहे हो तो कहाँ पर लोगे, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि आप लोगों की इंट्री कहाँ पे होगी, एक बार कमेंट करिए, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सही इंट्री इस कैंडल पे कहाँ पे लेनी है, ठीक है। रूल तो कुछ और भी है, रूल कुछ और है, लेकिन मैं कहाँ एंट्री ले लेता हूँ वो भी बताऊँगा, क्योंकि जब ये कैंडल बनती है ना, तब प्रीमियम यहाँ पे बहुत तेज़ी से भागता है। और कल जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी गूगल मीट की क्लास में बताया है कि मैंने कल एकदम टॉप पे ही एंट्री ले ली थी, उसका भी रीज़न बताऊंगा क्यों ले लिया था। आप लोग कमेंट करके बताइए कि एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए, आप लोग कहाँ पे एंट्री लोगे। चलो मैं बताता हूँ, एंट्री आपकी सही लेवल पे एंट्री होगी, यहाँ पे आपकी सही एंट्री यहाँ पे होगी जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी, ठीक है ना। जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी और नेक्स्ट कैंडल अगर इस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है, तभी आपकी एंट्री इसी कैंडल में हो जानी है, ठीक है। लेकिन मैंने एंट्री यहीं पे ले ली है, यहीं पे एंट्री ले ली थी। क्यों ले ली थी भैया, उसका रीज़न है, क्योंकि जहाँ पर भी मेरे को ये कैंडल बनती दिखाई देती है, अगर ये कैंडल बन गई है, उसके बाद क्या होता है कि आपको ये देखना है कि इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, आपको ये देखना है कि इसकी जो प्रीवियस कैंडल है, इस कैंडल का लो पॉइंट अगर ये क्रॉस कर दिया है इस कैंडल ने, और ज़बरदस्त तरीके से आपको ये एक चीज़ और देखोगे आप यहाँ पे, कि ये जो कैंडल बनेगी आपको मारू बोजू टाइप की कैंडल बनती दिखाई देगी। मारू बोजू कैंडल कितने लोगों को पता है, जरा कमेंट करके बताइए। मारू बोजू कैंडल बनती है जिसमें विक नहीं होती है ना। और हम मारू बोजू कैंडल उस कैंडल को भी कंसीडर कर लेते हैं जिस कैंडल में विक एकदम छोटी सी, आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत ही छोटी विक निकली हुई है इस कैंडल में। थोड़ा सा बड़ा करता हूँ चार्ट को, देखो बहुत छोटी विक निकली हुई, ना के बराबर, तो हम इसको मारू बोजू कैंडल कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे इस कैंडल का लो पॉइंट ये ब्रेक करेगा, वैसे मेरी एंट्री हो जानी है, और मैंने कल इसी कैंडल के लो पॉइंट को ब्रेक करते ही मैंने एंट्री ले ली थी। अब आप लोगों के अंदर एक सवाल उठ रहा होगा कि हम एंट्री तो यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, तो स्टॉप लॉस इसी कैंडल का हाई पॉइंट होगा। आपका अगर पुट साइड का ट्रेड बन रहा है तो आपका ये एसएल पॉइंट हो जाएगा, और
सही एंट्री यहाँ पे होती है, आपका ये एंट्री पॉइंट होना चाहिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जहाँ मैं ट्रेड मार देता हूँ मेरी एंट्री आपसे थोड़ा पहले हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रीमियम होता है ना, प्रीमियम बहुत तेज़ी से भागने लगता है, तो मैं यहीं पे ट्रेड मार देता हूँ। ये पहले से ही डिसाइडेड रहता है, जब ये कैंडल बन जाती है उसके बाद से तुरंत आपको क्विक डिसीजन लेना होता है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो, इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको डिसीजंस क्विक ही लेना पड़ता है। वहाँ पे आपके माइंड को इफ एंड बेट्स नहीं करना चाहिए, तुरंत एंट्री ले लो आप और वेट करो आपके टारगेट हिट होने का। या तो आप एसएल हिट होने दो, अगर यही कैंडल पलट के इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती तो मैं एसएल लेके बाहर हो जाता। अगर ये कैंडल कंटिन्यू मेरे ट्रेड के साइड चल रही है तो फिर मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कोई भी कैंडल ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं किया है। उसने ब्रेक करने का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी डर जाते हैं कि भैया यही कैंडल देखो, ये कैंडल जब बन रही थी तब ये कैंडल इस कैंडल के हाई को थोड़ा सा ऊपर इसने यहाँ तक गई है वो। अब डर के मारे अगर आप यहाँ पे निकल जाते हो तो ये आपकी गलती है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को हमेशा मैंने बता रखा कि उस कैंडल के क्लोज होने का वेट कर लो, या कि फिर इसके प्रीवियस वाली जो कैंडल है उसके लो को ब्रेक होने दो। मान लो यही कैंडल पलट के ऊपर साइड चली जाती है और इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती तो फिर मैं वापस से यहाँ पे निकलने की अपनी तैयारी कर लेता, लेकिन मुझे डरना तब तक नहीं है, मुझे निकलना तब तक नहीं है जब तक कि अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करके क्लोजिंग नहीं दे देता है। क्लोजिंग इस कैंडल के हाई को क्लोजिंग का वेट करना है। और अगर हम डर भी रहे हैं तो हमको डरने की ज़रूरत है, इसके भी पहले वाली कैंडल को क्रॉस कर दे। अगर इस कैंडल के हाई को क्रॉस कर देता तो मैं निकल जाता, ठीक है। तो आप लोगों को हमेशा ध्यान ये रखना है कि आपकी एंट्री सही जगह होना चाहिए और एग्जिट भी सही जगह होना चाहिए। जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपकी एंट्री है उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एग्जिट पॉइंट भी होता है, ठीक है। अब सही तरीका क्या है? अब भैया आप लोगों के अंदर एक सवाल उठ सकता है कि हमारा सही एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए। तो हम एग्जिट पॉइंट लगाएंगे, हम यहाँ पे प्रीवियस डे का जो ये लो पॉइंट इसने लगाया था, मतलब जहाँ पे इसने ये क्लोजिंग दी थी उसके नीचे तक का हम एक फर्स्ट टारगेट रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ट्रेड पकड़ा है और यहाँ तक हमको जाना है। अब यहाँ पे चूंकि मार्केट बहुत ही बेयरिश था और ट्रेंडिंग वन वे जा रहा था, तो यहाँ पे आपका दूसरा सेटअप भी बन रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम डंडा और झंडा लगा के आप लोगों को यहाँ पे ट्रेड मार देते हैं, है ना। तो ये आपका दूसरा ट्रेड बन रहा है यहाँ पे, आपने यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट खा लिया है। इसके बाद दूसरा सेटअप बना आपका डंडा वाला, आपने यहाँ पे ट्रेड मारा और कंटिन्यू बने रहो यहाँ पे। यहाँ पे ये डंडा आपने अगर नहीं लगाया तो यहाँ पे तो डंडा लगा ही सकते हो भैया, है ना। ये वाला डंडा लगा लो, बस आपको डंडा लगाना आना चाहिए, सही डंडे लगाओ और प्रॉफिट कमाओ, परियोजना चल रही है। अब आप पूछो कि यहाँ पे हमारा एसएल पॉइंट क्या होगा, एंट्री पॉइंट क्या होगा, तो आपका एसएल पॉइंट ये हो जाएगा आपका यहाँ पे, और आपका ये जैसे ब्रेक करता है यहाँ पे आपका एंट्री पॉइंट हो जाता है, ठीक है। अब इस वाले डंडे के केस में आपका ये एसएल पॉइंट हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सारे सेटअप बता दिए हैं मैंने, त्रिनेत्र स्ट्रेटजी बता दी, सारी चीज़ें बता रखी है। आप लोग उसको फॉलो करो, बिलीव करो, सेटअप बनता दिखाई दे, ट्रेड करो, ठीक है। मैं किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे ट्रेड लेने का सजेशन नहीं दे रहा हूँ, जो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ वहीं पे मैं आप लोगों को वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक। बात चल रही थी हमारे उस कैंडल की, तो चलिए उस कैंडल को और आगे चल के ढूंढते हैं कि ये कैंडल हमको कहाँ कहाँ बनती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं, आप लोगों को सेम कंडीशंस की यहाँ पे बहुत सारी कैंडल्स दिख रही हैं, ठीक है ना। यहाँ पे वही वही कैंडल्स बनी हुई हैं, हमको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि अब जिस कैंडल ने भी अपने इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर दे, हमको वहीं घुस जाना है। मतलब हमारी एंट्री इस वाली कैंडल में हो जानी है, जैसे ब्रेक करेगी हमको ट्रेड में घुस जाना है, और आपका जो ये हाई पॉइंट होगा वही आपका एसएल पॉइंट रहना है, ठीक है ना। आपका ये एसएल पॉइंट हो जाएगा और ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। चलिए और आगे चलते हैं, शायद हमें कहीं और पे मिल जाइए। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है भैया? लाइक कमेंट करते रहना, तभी मज़ा आता है पढ़ाने में। आप लोग लाइक कमेंट करने में कंजूसी करते हो, ठीक है। लाइक और कमेंट करते रहते हो तो थोड़ा मेरा भी मन लगा रहता है। इतने सारे लोग देख रहे हो, आप लोग लाइक और कमेंट बहुत कम है, ठीक है। लाइक करते रहो तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे भी। चलो आगे बढ़ते हैं इस
ये कैंडल और ढूंढते हैं थोड़ा सा, और आप लोगों को एक आध एग्जाम्पल और दिखा दूं तो थोड़ा आप लोगों को क्या हो जाएगा कि बिलीव हो जाएगा। आप कैंडल तो आप देखोगे कि वो छोटकू सी कैंडल यहाँ पे भी आपको बनती दिखाई दे रही है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अलग है। ये छोटी ये यहाँ पे ये वाली अगर कैंडल थोड़ा स्ट्रॉन्ग बॉडी की होती तो और मज़ा आता, सेम टू सेम वही कैंडल बनती। लेकिन ये कैंडल जैसा मैंने बताया कि बॉडी आपको वहाँ पे देखना है बहुत छोटी बनी हुई है और उसकी विक जो है ज़्यादा निकली हुई है, तो इसीलिए मैंने इसका नाम दिया है इमली, है ना। ये इमली देखना है, इमली पकड़ लो, होती तो खट्टी है लेकिन जब वो पक जाती है तो मीठी हो जाती है ना। इमली की चटनी किस किसने खाई है, अच्छा सबके मुंह में पानी भी आ गया होगा, है ना भैया। अब आप देखो एक चीज़ और देखो, सेम टू सेम ये कैंडल यहाँ पे बनती दिखाई दे रही है, इमली मेरी, है ना, बहुत प्रॉफिटेबल कैंडल है ये। आपको ये इमली दिखाई दे जाए बस ट्रेड मार दो भैया, है ना, कछु नहीं करना आपको। इसका जैसे हाई ब्रेक हो जाता है वैसे ट्रेड मार दो। अब देखो यहाँ पे अगर आपने ट्रेड मारा तो कंटिन्यू बने रहो। अब मैंने इस कैंडल का इमली नाम क्यों दिया है, रीजन उसका रीजन ये है कि देखिए वहाँ पे जो बन रहा था तो वहाँ पे हमको इवनिंग स्टार, नीचे बनेगा तो मॉर्निंग स्टार, ऐसे बनता दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन अब इस कंडीशन में आपको कहाँ देखना है ये, का आप इसको क्या बोलोगे, मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार नहीं ना बोलोगे। इसीलिए मैंने आप लोगों को सरलता से समझ में आ जाए इसलिए इसका नाम मैंने दिया है इमली। ये कैंडल आपको बनती दिखाई दे जाए मतलब आप अलर्ट हो जाओ, नेक्स्ट कैंडल में आपको ट्रेड मारना है, ठीक है। चलो और आगे चलते हैं, इमली को ढूंढते हैं, आपको कई जगह इमली मिलेगी, इमली खाना भैया बहुत अच्छी रहती है वो, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, इमली ढूंढते हैं, ये इमली मिल गई, इमली मिल गई, है ना। यहाँ पे भी थोड़ा सा बॉडी इसकी स्ट्रांग है बट ठीक है, यहाँ पे भी इमली मिल गई आपको, ये देखो इमली मिली हुई है, ठीक। तो इमली ढूंढो प्रॉफिट कमाओ परियोजना चलाएंगे हम, जहाँ पे भी इमली हमको बनती दिखाई देगी वहीं पे हम इमली को खा लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ये इमली बनती दिखाई दी, काम तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल। अब आप बोलो सर ये तो इनसाइड कैंडल बनी हुई है, नो डाउट इनसाइड कैंडल बनी हुई है, हमको क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे कि पर्टिकुलर एक कैंडल पे फोकस कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक कैंडल पे फोकस कर रहे हैं। अगर इस तरह की कैंडल बनती दिखाई दे, डोजी जिसको बहुत सारे लोग डोजी कैंडल बोलेंगे, आपको ये कैंडल दिखाई दे जाए बस अलर्ट हो जाओ कि आपको ट्रेड मारना है ना, अलर्ट हो जाओ कि ट्रेड मारना है। अब आप चाहो तो यहाँ पे डंडा भी लगा लो, झंडा भी लगा लो, लेकिन आपको अगर वो कैंडल दिख गई है आप अलर्ट हो जाओ, ठीक है। ठीक है भैया, बोलो सीताराम। ये देखो, ये देखो, लगता तो ये इन्वर्टेड हैमर जैसा है, लगता तो इन्वर्टेड हैमर जैसा है, लेकिन हम क्या बोल देंगे, इमली बोल देंगे। तो कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहता हूँ आप लोगों के लिए, और आप लोग बस ऐसे सीखते रहो, समझते रहो। बस ये कैंडल ढूंढो कि इस तरह की कैंडल बनती कहाँ है, ये कैंडल बनती दिखाई दे जाए अलर्ट हो जाओ, जिस साइड का ब्रेक डाउन ब्रेकआउट मिल जाए बस घुस जाओ, ठीक है, इतना तो कर सकते हो। चलो और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, जहां भी जाओगे आपको ये कैंडल मिल जाएगी, आप ढूंढते रहो बस मजा आ जाएगा आप लोगों को। ये है ना, हालांकि इसमें बॉडी थोड़ा सा स्ट्रांग है बट चलता है, ठीक है। अब आप लोग थोड़ी बहुत बैक टेस्ट आप लोग भी कर लेना, क्या पूरी बैक टेस्टिंग मैं ही करके दिखाऊंगा, हैं, आप लोग भी तो थोड़ा मेहनत करो। अब मेहनत नहीं करोगे तो फल कैसे मिलेगा, फल पाने के लिए तो मेहनत तो करना पड़ेगी। अब मेहनत नहीं कर सकते तो बोलो सीताराम, हैं, ठीक है भैया। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पूछ लो, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे नहीं पूछ सकते हो तो गूगल मीट में पूछ लेना, पर पूछ लेना, डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है, डाउट क्लियर कर लेना। ये कैंडल पे नज़र बना के रखो बस, कुछ भी करो इस कैंडल पे नज़र बना के रखो, ट्रेड मारो प्रॉफिट कमाओ, ट्रेड मारो प्रॉफिट कमाओ परियोजना, ठीक है। तो चलो अब क्या है, अब अपने को ये हमने कैंडल तो देख ली, आपको हमने कैंडल तो दिखा दी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने ये सवाल नहीं किया कि हर जगह आप ये कैंडल क्यों दिखा रहे हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, हैंडेड का लेबल के पास अगर ये कैंडल बनती दिखाई दे जाए, आपको यहाँ पे 800 का लेबल दिख रहा है,
क्या देखना है? स्टार्टिंग में बोला था ना, हंड्रेड चाहे निफ्टी में हो चाहे बैंक निफ्टी में हो, हंड्रेड के पास आपको अगर बनती दिखाई देगी तो फिर वहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, वहां से मार्केट रिवर्सल ले सकता है। अब ये लेवल क्या रहा है? 900 के आसपास आ रहा है। ये यहाँ पे ये कैंडल बनी है, देखो यहाँ पे है ना। बस ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ढूंढना तो पड़ेगा, नहीं ढूंढ रहे हो तो फिर तो बोलो सीताराम। टू हंड्रेड 280 और आगे चलेंगे जहाँ पे हमको ट्रेंड रिवर्सल मिलेगा। हमको रिवर्सल हम जब ढूंढ रहे हैं ना, ऊपर से आया कि नीचे से आया? भाई गैप अप था, गैप डाउन था। ओके नीचे है, चलो 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 आगे चलते जाओ, ढूंढते जाओ। ये कैंडल अलर्ट होना है, इस कैंडल में, इन कैंडल्स में ये हमको प्रॉफिट देने के लिए आती हैं। कभी भी ये कैंडल लगातार भी अगर बन गई ना तो भी हमको नज़र बना के रखना है। ठीक है, नज़र बना के रखना है। ये कैंडल आती ही इसीलिए कि भैया तुम प्रॉफिट कमा सको। अब अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछो, मैं बताऊंगा। आप लोगों को बताने के लिए तो ये क्लास रखी जाती है, और सभी लोगों को पता है, क्या पता है सभी लोगों को, कि ये पर डे हमारी क्लास रहती है। जो लोग न्यू मेंबर्स हैं, जो यूट्यूब में नए देख रहे हैं, वो एक नंबर नीचे फ्लैश होता दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है ना, 8962425203। इस नंबर में आप व्हाट्सएप कीजिए, उस नंबर में व्हाट्सएप करेंगे तो आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, और उस लर्निंग ग्रुप में जुड़ने पे आप लोग डायरेक्टली हमसे सवाल कर सकते हैं। डेली की क्लास की इन्फॉर्मेशन भी उसी में आती रहती है, तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। और आप सभी को बता दूं कि ये ग्रुप टोटली फ्री है, टोटली फ्री है, किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं लगता है। आप लोगों को ये क्लास पर डे फ्री दी जाती है, 8:30 बजे क्लास रहती है गूगल मीट में, उसके बाद में हम लाइव आते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब में लाइव आने के बाद वापस से हम गूगल मीट में जाते हैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग हमारी ये लर्निंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं पर डे, और उसमें ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, बोलो सीताराम। चलो तो कुछ मेहनत आप लोग भी कर लेना, सारी मेहनत हमसे मत करवाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर से बोल दो एक बार सीताराम, है ना। चलो बोलो सीताराम फटाक से। लाइव बंद करें कि किसी को कुछ और क्वेश्चन पूछना है? योगेश जी, योगेश भैया पूछ रहे हैं कैंडल का कलर मैटर करेगा कि नहीं करेगा। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कलर डजेंट मैटर, कलर कोई मैटर नहीं करने वाला है। वो कैंडल अगर बन गई है तो हमको वो प्रॉफिट दे के ही जाएगी। हाँ एक चीज़ ज़रूर हो सकती है वहाँ पे, अगर मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दे दिया है और वो टॉप पे बन रही है, तो अगर उसका कलर रेड है तो वो बहुत अच्छा वर्क करेगी, और अगर ग्रीन बन रहा है तो हो सकता है कि उसमें कम प्रॉफिट हो या ज़्यादा मूवमेंट ना मिले। अगर ये बॉटम पे मिल रही है आपको और ग्रीन कलर है, दैट मीन्स वो मार्केट वहाँ से ऊपर जाने वाला है। जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को ये कैंडल दिखाई दे रही है, यहाँ पे इस कैंडल का कलर जो है ग्रीन है, तो वही आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर वो टॉप पे बन रही है तो रेड बन जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा, और अगर बॉटम पे बन रही है ग्रीन बन जाएगी तो बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी वैसे कैंडल्स में कलर ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये कैंडल तो रेड बनी हुई है, ये कैंडल रेड बनी हुई है, लेकिन वैसी ही कैंडल बनती दिखाई दे रही है जिसको हम इनसाइड कैंडल भी बोल देते हैं। यहाँ पे आप देखो ये कैंडल का कलर ग्रीन है, बॉडी छोटी है और मार्केट यहाँ से ऊपर गया है। ठीक है ना, अब ये भी देखना है कि क्या वो एकदम बॉटम पे है या क्या वो बीच में बन रही है, मूवमेंट करने के बाद बन रही है, ये थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा भैया। तो बोलो सीताराम, है ना। मतलब हमको क्या करना है, ये कैंडल अगर बन गई है, ये कैंडल अगर बन गई है तो हमको अलर्ट हो जाना है, वहाँ से अलर्ट हो जाना है। जिस साइड का
हाई या लो ब्रेक कर दे, हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। वैसे तो जब ये स्ट्रांग ये कैंडल अगर बुलिश साइड बनी है, फिर यहाँ पे ये कैंडल, अब ये देखो अभी आपके सवाल का जवाब क्या हुआ कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे कैंडल ग्रीन है, यहाँ पे कैंडल ग्रीन है। अगर यही कैंडल रेड हो जाती तो फिर ये मार्केट, ये जो दो कैंडल ये ऊपर गया है, ये यहीं से नीचे आ जाता, लेकिन ये अगली कैंडल से नीचे आया है, ठीक है। तो अब आप आगे चल के देख लो एक बार, आगे चल के शायद हमको और कहीं मिल जाए ये। आगे चलते जाओ, बोलते जाओ सीताराम सीताराम। रिवर्सल देखो, यहाँ पे वो कैंडल बनी है, इसके हाई लो को ब्रेक किया, मार्केट नीचे साइड आ गया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बोला था कलर जो है ना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता है, कई बार आपको अच्छा खासा मोमेंट दे भी जाएगा और कई बार नहीं भी देगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और पीछे चलते हैं, आप लोग बैक टेस्ट करोगे तो आप लोगों के मन में भी थोड़ा कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे इस कैंडल को लेके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, मज़ा आएगा, है ना, मज़ा आएगा, ठीक। चलो तो लाइव सेशन बंद करूँ, 7 में कोई इंडिकेटर लगाना है या नहीं? 7 में इंडिकेटर तो आप जानते ही हो योगेश भैया, हम एक ही इंडिकेटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इसको यूज करते हैं। और इसकी सेटिंग जो है, सेटिंग कर लेते हैं हम यहाँ पे। ये क्या लगा दिया मैंने, कुछ अलग लगा दिया क्या? ओहो इंडिकेटर एक्सपोनेंशियल है तो यही मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल है तो यही, फिर सेटिंग अलग कह आ रही है। चलो एक बार सेटिंग करके देखते हैं, सेटिंग में चलते हैं। ओके आ गया, वहाँ पे कुछ अलग था शायद, ठीक है। 30 यहाँ पे भी 30, और यहाँ पे SMA की जगह EMA कर दो। कलर और थोड़ा सा इसकी देखने की विजिबिलिटी थोड़ा आप लोग आपके हिसाब से कर सकते हो। कलर ब्लैक कर देता हूँ, ये कलर ब्लैक कर दिया। बस इस इंडिकेटर को अगर यूज करोगे तो उससे थोड़ा आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा बेनिफिट? कि जैसा आप लोगों को पता है कि 30 EMA को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, ठीक है ना। 30 EMA को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, और हमारा बिलीव सिस्टम भी जो बना हुआ है 30 EMA को लेके, वो बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके आसपास कहीं अगर बनता दिखाई देगा तो बहुत अच्छा काम करेगा, है ना। और आप लोग बैक टेस्ट करना, मेन पर्पस तो हमारा उस कैंडल पे फोकस करना था, इस कैंडल पे फोकस करना था, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर जी ये तो शूटिंग स्टार है, नो डाउट वो शूटिंग स्टार है, लेकिन अगर ये कैंडल और खींच देता तो उसी कैंडल जैसा दिखाई देता जैसा यहाँ पे ये कैंडल बना हुआ है, ठीक है। ये कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल बना हुआ है, बस मज़े करो और क्या। तो बोलो सीताराम। चलो बैक टेस्ट आप लोग कर लेना थोड़ा और ज़्यादा, और अगर आप लोगों के कुछ डाउट्स होंगे तो बिल्कुल बताए जाएंगे, क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ मैं, और किसी को कुछ और पूछना हो तो आ जाना गूगल मीट में, वहाँ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लाइव सेशन बंद कर रहा हूँ, बोलो जय हिंद जय भारत।